अक्टूबर 2013 में भारत में फैलीन चक्रवात आया था। 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार वाली हवाओं से लैस ये बेहद भीषण चक्रवाती तूफान था। बंगाल की खाड़ी में ऐसा ही तूफान 1999 में आया था। उस चक्रवात में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और 10,000 जाने चली गईं। दोनों चक्रवातों में समानताओं के बावजूद फैलीन से मरने वालों की संख्या कम रही, 22 लोगों की जान गई। तो इन तूफानों के दरमियान 14 साल में आखिर क्या बदल गया था? 2013 तक भारत में मौसम के पूर्वानुमानों में बड़ा सुधार हो चुका था। ज्यादा अहम बात यह है कि इन सुधारों पर अमल भी होने लगा था। दूर दूर तक और व्यापक स्तर पर चेतावनियां जारी कर दी गई थीं और 10 लाख से ज्यादा लोगों को हटा लिया गया था। पूर्व चेतावनी प्रणालियों में इतनी क्षमता होती है। धरती की मौजूदा मौसमी स्थितियों को समझने के लिए मौसम विज्ञानी लोकेशन पर मौसमी पर्यवेक्षणों का इस्तेमाल करते हैं। इस काम में मदद करते हैं अंतरिक्ष से मौसम पर नजर रखने वाले सैटेलाइट। इन पर्यवेक्षणों से हासिल डेटा कंप्यूटर मॉडलों में भरा जाता है जो वायुमंडल और महासागर की स्थितियों की नकल पर बने होते हैं। ये मॉडल दुनिया को एक ग्रिड में बांटते हैं। हर ग्रिड बॉक्स में मॉडल उन भौतिक प्रक्रियाओं की नकल करते हैं जो मौसम को समझने के लिए अहम होती हैं। गैसों के प्रवाह से लेकर भाप के उड़ जाने और जमने तक, इन प्रक्रियाओं की नकल करके ये मॉडल पहले से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ घंटों या दिनों के बाद मौसम कैसा रहेगा। पूर्व चेतावनी प्रणालियां लोगों को सिर्फ तूफान से नहीं बचाती, बल्कि वे जंगल की आग से लेकर लू जैसी स्थितियों तक जान माल की हिफाजत करती हैं। पानी और काम के समय में बदलाव करके भारत में लू संबंधी एक्शन प्लान से लोगों की जिंदगियां बचाई गई हैं। लंबी अवधि की मौसमी घटनाओं से होने वाले नुकसान भी चेतावनी की मदद से कम किए जा सकते हैं, जैसे सूखा। इससे किसानों को तैयारी का समय मिल जाता है। लोगों की हिफाजत के साथ साथ ये प्रणालियां संपत्ति के नुकसान को भी बहुत कम कर देती हैं। 24 घंटे पहले जारी चेतावनी भी लोगों को सामान सहित हटने और सुरक्षित जगहों पर जाने का मौका देती है। इसके बावजूद आखिर क्यों कुछ मौसमी विनाश हम पर टूटे ही रहते हैं? दुनिया की एक तिहाई आबादी की पहुंच पूर्व चेतावनी प्रणालियों तक नहीं है। यही फर्क दुनिया के सबसे असहाय और वंचित देशों में दिखते हैं। इन्हीं देशों पर मौसमी ज्यादतियों की सबसे ज्यादा मार पड़ती रही है। अमीर देशों के उत्सर्जनों से बढ़ने वाली ग्लोबल वार्मिंग की बदौलत ये विनाशकारी आपदाएं बहुत तीव्रता से और बार बार होने लगी हैं। इससे हालात बदतर हुए हैं। दुनिया में कुछ देशों के मौसम विभाग बड़े स्तर की मौसम प्रणालियों वाली भविष्यवाणियां मुहैया कराते हैं, लेकिन किसी देश में पूर्व चेतावनी प्रणालियों के बिना ये आकलन वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां उनकी जरूरत है। ये स्थिति बदल सकती है। इस साल 23 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने यह ऐलान किया था। पूर्व चेतावनी प्रणालियों के जरिए अगले 5 साल में धरती का हर इंसान महफूज रहेगा, ये सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र नई कार्रवाई करेगा। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? कुछ ही साल में आखिर हम कैसे अरबों वंचित लोगों को पूर्व चेतावनियों की सुविधा दे पाएंगे? मौसम के दफ्तरों को अगर ये ना पता हो कि अभी क्या हो रहा है, तो वो इस बात के लिए आगाह नहीं कर पाएंगे कि क्या होने वाला है। और अमीर देशों और गरीब देशों के पास जो साधन हैं, उनमें भी बड़ा अंतर है। जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां ज्यादा मौसम स्टेशन और बारिश और हवा की गति को मापने वाले साधन महंगे पड़ सकते हैं, लेकिन लागत कम करने के तरीके भी मौजूद हैं। 3D प्रिंटर मुहैया कराए जाएं तो स्थानीय समुदाय अपने खुद के मौसम स्टेशन बना सकते हैं। इनकी लागत भी कम आती है। एक पारंपरिक वेदर स्टेशन में $10,000 से ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन ये उपकरण महज कुछ $100 में मिल जाते हैं। पर्यवेक्षणों को लेकर जो अंतर हैं, वह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। आखिरकार ऐसे डेटा का कोई मतलब नहीं जिसे समझने और इस्तेमाल करने वाला ही कोई ना हो। फिर भी अमीर और गरीब देशों के बीच अक्सर एक बड़ा अंतर तो रहता ही है। कुछ मौसमी विभागों के पास 100 कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन कुछ के पास केवल 2 या 3 होंगे। अगर कोई हासिल ही ना हो तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? सभी मर्जों की एक दवा मुमकिन नहीं है। लोगों को सूचित करने का मतलब है संचार के तमाम उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल।
जैसे फैलीन चक्रवात के दौरान भारतीय मौसम विभाग ने SMS, ईमेल, टेलीफोन, टीवी, रेडियो, वेबसाइट और दूसरे सोशल नेटवर्कों के जरिए विस्तृत अपडेट जारी किए थे। केंद्रीय स्तर पर जारी सूचनाएं एक एक जिले तक पहुंचाई गई थी। हर किसी को स्पष्ट सूचना पहुंचाना दुनिया भर में एक चुनौती है और करना भी वही होता है जो जमीनी स्तर पर लोगों के लिए सही हो। क्या सूचना फेसबुक से मिले या कम्युनिटी बोर्डों से या रेडियो से या टीवी या दूसरे चैनलों से? और सिर्फ इसलिए कि किसी देश के पास ज्यादा पैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि वह बेहतर स्थिति में है। जैसे बाढ़ से अपने लोगों को बचाने में बांग्लादेश ने जर्मनी को पछाड़ दिया था, उसने लोकल स्तर पर वॉलंटियर तैयार किए जो चेतावनी पहुंचाने घर घर गए। हम लोग विपदाओं को आने से नहीं रोक सकते। दरअसल जब तक हम धरती को तपाते रहेंगे, लू हो या सूखा, आपदाएं बद से बदतर होती जाएंगी। लेकिन खुद की हिफाजत के लिए हम कार्रवाई कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यानी पूर्व चेतावनी प्रणालियां अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली बचाव मुहैया कराती हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन प्रणालियों में खर्च होने वाला हर एक डॉलर $10 के नुकसान को बचाता है। खतरनाक मौसम से जूझने वाले अधिकतर देश वही हैं जिनके पास ऐसी प्रणालियां नहीं हैं। अगर हम धरती को पूर्व चेतावनी प्रणालियों से महफूज बनाना चाहते हैं तो उसमें जलवायु फंडिंग और कौशल दोनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर संयुक्त राष्ट्र महज 5 साल में अपने लक्ष्य पाने का इरादा रखता है तो ये इतना जल्दी मुमकिन नहीं।